ईवीएम ने केवल विपक्ष की पोल ही नहीं खोली बल्कि पेड़ों को कटने से भी बचाया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्ष पर कसा तंज। लद्दाख में सैन्य अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा, नदी पार करते समय 5 जवान शहीद। रूस के साथ जंग खत्म करने को तैयार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, बोले एक बड़ी योजना पर चल रहा काम। सरकार ने दी बड़ी सौगात, अब मुफ्त में होगा इलाज, 2 लाख रुपए का मिलेगा फ्री बीमा, जाने कैसे उठाए इसका फायदा। रक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, जमालपुर की रेलवे इंजीनियरिंग की रेजिमेंट होगी बंद। अमेरिका में क्यों जमा हुई 29 देशों की सेना, भारत की नेवी भी पहुंची, चीन रूस में मचा हड़कंप। 4029 अमरनाथ तीर्थ यात्रियों का दूसरा जत्था जम्मू से कश्मीर घाटी के लिए रवाना। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, वाराणसी एवं गोरखपुर में चलेगा अभियान। 24 लाख रुपए के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस ने नवादा से साइबर ठग को किया गिरफ्तार। कोई छात्र स्कूल से वंचित न रहे, यह देश की सबसे बड़ी सेवा होगी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा। ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत की जीत के लिए काशी में हुआ यज्ञ। संजय झा बने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष। महाराष्ट्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू करेंगे मुख्यमंत्री शिंदे। प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर सभी तीर्थ यात्रियों को दी शुभकामनाएं। सपा के मन में भारतीय इतिहास व संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं, CM योगी ने कहा। अगले 72 घंटे में बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, जाने क्या है IMD का नया अपडेट। राधा रानी पर विवादित बयान के बाद बरसाना पहुंचे कथावाचक प्रदीप मिश्रा, नाक रगड़कर माफी मांगी, वीडियो वायरल। दुनिया के बाजार में भारत का बदला सीन, देखते रह गए अमेरिका, जापान और चीन। भारतीय टीम ने महिला टेस्ट क्रिकेट में बनाया सबसे बड़ा टीम स्कोर। विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड से भाजपा का सफाया हो जाएगा, हेमंत सोरेन बोले। हार्दिक पांड्या ने संन्यास का ऐलान कर फैंस को दिया 440 वोल्ट का झटका, बताया अपने रिटायरमेंट का कारण। अरविंद केजरीवाल जांच में नहीं कर रहे सहयोग, कोर्ट ने CBI की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग मानी। बस 48 घंटों का इंतजार, दिल्ली UP समेत इन 10 राज्यों की बदलने वाली है फिजा, आ रहा मानसून। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, बेटी सुरीति के साथ विधायक किरण चौधरी ने दिया इस्तीफा। बिहार पुल गिरने की घटना पर तेजस्वी ने सरकार पर कसा तंज, जीतन मांझी ने जताई साजिश की आशंका। फैक्ट्री में बनाया जा रहा प्लास्टिक का गेहूं, वायरल वीडियो का दावा निकला गलत। आपके बच्चों का करोड़पति बना देगी ये SBI म्यूचुअल फंड स्कीम, बरसेगा पैसा। UP में घट जाएगी बालू और मोरंगे की कीमतें, CM योगी के निर्देश से जगी उम्मीद। 10,000 के निवेश पर 7 लाख तक का रिटर्न, 2024 में इन 7 कंपनियों के शेयर में मचाया धमाल। UP में BJP की ताकत से डरी सपा, उपचुनाव से दूरी बनाने का फैसला, नहीं उतारेगी उम्मीदवार। मोदी सरकार ने PPF सुकन्या जैसी सेविंग स्कीम्स पर लिया फैसला, चेक करें नई ब्याज दरें। दिल्ली शराब नीति मामला, राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने CM केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। पहली ही बारिश में राम मंदिर में रिसाव, राम पथ पर गड्ढे, CM योगी ने लगाई फटकार, 6 सस्पेंड। पहले 52 डिग्री का टॉर्चर, अब 88 साल बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश, क्यों हुआ दिल्ली का ये हाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लॉन्च किया पोर्टल, किसानों को मिलेगी ये बड़ी सुविधाएं। NDRF जवानों को 40% की दर से मिलेगा जोखिम और कठिनाई भत्ता, अमित शाह ने दी जानकारी। CM योगी ने मेघावी छात्र छात्राओं को किया सम्मान, अभिभावक के खाते में 1200 ट्रांसफर, कहा कोई छात्र स्कूल से वंचित न रहे। दिल्ली के बाद गुजरात में बड़ा हादसा, भारी बारिश के चलते राजकोट एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर की छत ढह गई। CM योगी ने जारी किए 1056 करोड़, मेघावी छात्रों को 1 लाख रुपए, टैबलेट और गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत, पूर्व CM की रिहाई के बाद रांची में लगे पोस्टर। कर्नाटक के स्कूल में पढ़ाया जा रहा तमन्ना भाटिया पर पाठ, भड़के अभिभावकों ने दर्ज कराई शिकायत। फेसबुक स्टोरी में लगे फोटो पर हंसने वाला इमोजी भेजने पर चली गोलियां, 2 लोग घायल। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को CM चेहरा मानने से किया इनकार, क्या टूट जाएगा MBA। बेटे अनंत की शादी से पहले अंबानी परिवार करेगा ये नेक काम, गरीबों के लिए किया खास जश्न का इंतजाम। झारखंड में अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 15 लाख का बीमा भी देगी सरकार, एक साथ 3 तोहफे। इंस्टाग्राम रील देखकर UP की महिला 18 साल पहले लापता भाई को पहचाना, दोनों की हुई मुलाकात। घर बनाने के लिए CM योगी ने दिए निर्देश, जल्द ही उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी नई पॉलिसी, इनको मिलेगा फायदा।
यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने लाई बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने में नहीं होगी परेशानी। उत्तर प्रदेश के इन 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश पुलिस का दावा, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के इरादे से 60 गायों बैलों की हत्या की गई। निजी कंपनियों ने महंगे किए प्लान, BSNL ने लॉन्च किया सस्ता प्लान, 249 रुपए में मिलेगा बहुत कुछ। 16 दिनों से अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स, नासा के हाथ पैर फूले, सुरक्षित वापसी पर शादी चुप्पी, दिया ये बड़ा बयान। पंजाब में 8 किलो हीरोइन 3 पिस्तौल के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में 50 एकड़ में बनेगी फोरेंसिक साइंस प्रशिक्षण और प्रयोगशाला, अमित शाह ने कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी भाजपा, सभी 90 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। अब मजदूरों के बच्चे भी बनेंगे अफसर, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने ली बड़ी पहल। बालाघाट में किसानों के लिए सीएम मोहन यादव ने की कई घोषणाएं, कहा मिलेट उत्पादन में मिलेगा अनुदान। बारिश से दरिया बनी दिल्ली, पानी में डूबने से 2 बच्चों समेत 3 की मौत। HDFC बैंक के ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर लगेगा चार्ज। दूध उत्पादन करने वालों के लिए सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, बोले बोनस देगी सरकार। तमिलनाडु में पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट से 4 श्रमिकों की मौत, मुख्यमंत्री ने की मुआवजा घोषणा। विपक्ष का कोई विजन नहीं, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी BJP की सरकार, बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तमिलनाडु में अवैध शराब बेचा तो होगी उम्र कैद, देना होगा 10 लाख तक का जुर्माना। गगनयान ही नहीं, इस साल 3 और मिशन होंगे लॉन्च, इसरो चीफ ने दिया बहुत बड़ा अपडेट। बिहार में फिर से पलटी मारने वाले हैं नीतीश चाचा, इन दो नेताओं के बयान से तेज हुई चर्चा। फाइनल में सिर्फ 9 रन बनाने पर रोहित शर्मा की आंखों से छलके आंसू, तो पत्नी रितिका के चेहरे पर भी पसरा मातम। चाइना के एयरपोर्ट पर अडानी का कब्जा, नेपाल ने भारत से निभाई दोस्ती, जिनपिंग के उड़ गए होश। सेना के इतिहास में पहली बार 2 क्लासमेट के हाथों में होगा थल और नौसेना की कमान, 5वीं से है दोस्त। भारत ने रचा इतिहास, 17 साल बाद जीता T20 विश्व कप। अब नहीं मिलेगा 5G अनलिमिटेड, जियो ने खत्म किया सिस्टम, कई सस्ते प्लान भी बंद, पुराना ट्रैफिक केवल 3 जुलाई तक रहेगा लागू। T20 वर्ल्ड कप जीत के साथ ही भावुक हुई टीम इंडिया, रोहित विराट हार्दिक के निकल गए आंसू, खुशी से झूमा भारत। पीएम मोदी से मिले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, लंबित जल परियोजनाओं के लिए मांगी केंद्र की मंजूरी। फाइनल में जीत दिलाने के बाद रोने लगे हार्दिक पांड्या। ऋषभ पंत ने तोड़ी सारी हदें, फाइनल में घनघोर लापरवाही की वजह से 0 पर आउट। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी वर्ल्ड कप जीतने की बधाई। गुनाह करने वाले हो जाए सावधान, अब फिंगरप्रिंट नाफिस डाटाबेस से होगी अपराधियों की पहचान। नीट पर चर्चा से भाग रही कांग्रेस, विपक्ष के हंगामे पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, जल्द होगा परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। हरियाणा सरकारी स्कूलों के एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा, 4 लाख छात्रों के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे चिराग पासवान, बिहार में फैक्ट्रियों को लगाने के लिए कर किया बड़ा ऐलान।